नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ आप भी आप देख रहे होंगे एक एक्ट्रेस हैं, आप दिव्या जी हैं। yes. और दिव्या काफ़ी सारी वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं, इसके अलावा कुछ एड शूट भी किए हैं, प्रिंट शूट भी किए हैं, थोड़ा थोड़ा काम करती रहती है दिव्या। इसके अलावा कुछ मॉडलिंग भी करती रहती हैं। तो आज दिव्या हमारे साथ हैं, हमारे प्रोग्राम में है। तो दिव्या, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच मनीष जी। दिव्या, आज हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। एक तो हम जानना चाह रहे हैं आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन क्या हुई, इसके अलावा आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई, है ना, और क्या क्या काम किया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम दिव्या है, मैं वैसे नेपाल से हूँ बट मेरा बचपन मुंबई में गुजरा है, तो इसी कारण मेरा स्टडी जो है यहीं पे कंप्लीट हुआ है। सो मैंने प्लस टू के बाद पढ़ाई नहीं की क्योंकि मुझे आना था इस इंडस्ट्री में। अच्छा, आपने प्लस टू तक ही पढ़ाई की? जी जी जी, उसके बाद मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ इसका रोग लग गया। एंड देन आई एंटर्ड, मैंने शुरुआत की थी एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, उनको असिस्ट करती थी। दो साल के बाद फिर एज अ मॉडलिंग शुरुआत की एंड और अभी मैं यहाँ पर हूँ, मनीष जी के साथ बात कर रही हूँ। नहीं, बात मेरे साथ नहीं, आप हमारे दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं और आपके बात में, आपके बारे में हमारे दर्शक जान रहे हैं। दिव्या जी, आपने किस किस मतलब सीरीज़, वेब सीरीज़ में काम किया या फिर क्या एड शूट किए, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, जब मैंने एंटर किया था इंडस्ट्री में तब मैं काफ़ी ज़्यादा शूट्स करती थी जो कि कपड़े के होते थे, गारमेंट्स के शूट्स होते थे। एंड लेटर उसके बाद कुछ बाहर से शूट आने लगे जो कि जिम वेयर एंड मैनी थिंग्स, और उसके बाद कुछ शूट्स ऐसे करने लगी क्राइम पेट्रोल टाइप के जो कि 1-2 एपिसोड के हिसाब से आते थे। एंड देन अभी रिसेंटली मैंने 2 महीने पहले ही एक शूट किया है जिसमें मैं एक पुलिस ऑफिसर बनी हूँ। जी, वो आपका देखा हमने सोशल मीडिया पे। थैंक यू सो मच, जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा आपने कुछ रिसेंटली एक वेब सीरीज में भी काम किया था, शायद लॉकडाउन से रिलेटेड कुछ वेब सीरीज थी वो। यस यस हाँ, एक्चुअली उसको एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि जल्दी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए, और आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि मैं चाहती हूँ अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए। बिल्कुल, जरूर आएगी, जरूर आएगी, और आप काम भी अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ दिव्या। yes. देखिए, एक तो ये हो गया कि आपने काम किया, थोड़ा बहुत जो भी मिलता रहा वो करती रही आप। जी जी। यहाँ पे काम पाना कितना कठिन होता है वो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको लगता है कि हम मुंबई जाएंगे और यूं चुटकी बजाते हमें काम मिल जाएगा। जैसे कि आप लड़की हैं, अच्छी दिखती हैं, उसके बावजूद भी आपको काम नहीं मिला, आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान भी है इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बाद भी आपको काम, बहुत ज़्यादा काम नहीं मिला, जितना मतलब आपको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो क्या कारण रहता है यहाँ पे कि लोग आते हैं वो सोचते हैं कि काम यूँ ही मिल जाता है, तो उनको, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि क्या कठिनाइयाँ आपको आती हैं। बेसिकली होता ये है ना कि मैं तो मुंबई से हूँ तो मुझे हाँ मुश्किलें तो हैं कि हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मैंने जब एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर शुरुआत की थी तो मुझे थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट मिल गए थे, और मैं तो यही सोच के आई थी मुझे हीरोइन ही बनना है, बट मुझे नहीं मानता इतना बड़ा स्ट्रगल होगा, और अभी भी चल ही रहा है कंटिन्यूस। मैं 2017 की बात कर रही हूँ, आज 2024 चल रहा है, तो काफ़ी टाइम लगता है। और आप जब नए हो मुंबई में तो आपको तो बहुत ज़्यादा, आपको पहले रहने का मैनी थिंग्स यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। और मुंबई ऐसी जगह है कि शायद जल्दी से लोग नहीं मिलते, और इंडस्ट्री में घुसना तो बिल्कुल भी इतना जल्दी पॉसिबल तो नहीं है, या तो आप पहले से किसी के कॉन्टेक्ट में हैं, आपको जानते हैं तो शायद वो रेफरेंस दे देते हैं, माई बाप होना चाहिए। यस यस यस, गॉडफादर, वही माई बाप कह लो उसको, गॉडफादर कह लो, मतलब अगर कोई है आपका जान पहचान वाला, कोई अच्छी अच्छी आपकी जान पहचान तो कुछ काम मिल सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल ऐसा है। आप कहने चाह रहे हैं, बिल्कुल। yes, yes. इसके अलावा दिव्या, मैं जानना चाहूँगा, मतलब जैसे आपको काम नहीं मिला, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस हुई होंगी, खैर ये अच्छी बात है कि आपका यहाँ पे घर है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका घर नहीं होता, रेंट पे रहते हैं, कभी कभी हमने देखा है कि बस स्टैंड पे सो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, है ना, डोरमेट्री में वो रुके हुए हैं क्योंकि वो किराया नहीं दे सकते, बहुत सारी चीज़ें वो फेस करते हैं। आप तो खैर इन चीज़ों से नहीं निकली होंगी क्योंकि आपका घर है पर्टिकुलर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जानना चाहूँगा कि मतलब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए यहाँ पे आके, पहले क्या कॉन्टेक्ट बनाने चाहिए या प्रॉपर ऑडिशन देना चाहिए, क्या की चीज़ करनी चाहिए। जी, सबसे पहले तो जो आ रहे हैं और डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो सोच के आएंगे कि एग्जैक्टली हम कहाँ जाएंगे, सिर्फ मुंबई जाएंगे ये तो कोई सोच के शायद नहीं आएगा। अब तो
काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ गया लोगों को, तो अगर आएंगे भी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछ कर ही आएंगे। एंड रही बात पहले कंफर्म करके जी जी बिल्कुल कंफर्म करके ही आए, कंफर्म मींस कि मतलब अगर आपको काम मिल रहा है या आपको शूट मिल चुका है जी। अच्छा एक चीज़ और भी है, चलो खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक शूट से याद आया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें एजेंसीज आ गई हैं यहाँ पे मुंबई में, तमाम ऐसे छोटे छोटे ऑफिसेज खुल चुके हैं या मुंबई से बाहर भी बहुत सारे ऑफिसेज खुल चुके हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना सारा काम है, आप थोड़ा सा पैसा दे दो, हम ये बना देंगे वो बना देंगे। लोग क्या है कि उनको चाहिए काम चाहिए, तो काम लेने के बदले में वो पैसा तक दे देते हैं अपना, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, पैसे देकर कभी काम होता ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी ऐसे काफी लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू बेसिस पे काम करूँ, तो मैं चाहूंगी कि मैं सीरियल्स में जल्दी जुड़ जाऊँ, तो मैं उसके लिए काफी कोशिशें करती रहती हूँ। आराम नगर है जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, प्लीज नोट दैट पॉइंट कि आराम नगर में ही ऑडिशंस मोस्टली होते हैं। वहाँ पे लाइन टू लाइन आपको लाइन पे खड़े होकर ऑडिशन देना, ऐसा नहीं सोचना कि मैं जाकर आप अंदर बैठ के मुझे एसी में बिठाया जाएगा और ऑडिशन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको रास्ते में खड़े होना पड़ेगा, काफ़ी लंबी लाइन होती है वहाँ पे, और डोर टू डोर आजू बाजू में काफ़ी सारे एजेंसीज हैं जो ऑडिशंस लेते हैं, जो कि अच्छे के लिए लाइक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए लेंगे ऑडिशंस। एंड कम टू दैट पॉइंट कि पैसे लेकर, तो पैसे देकर कभी काम नहीं करना, क्योंकि वो देंगे ही नहीं काम। ज़्यादा से ज़्यादा कितना मांगेंगे, 1 लाख 2 लाख, और कुछ कुछ तो 10-15 हज़ार भी बोलते हैं, तो डेफिनेटली उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। उनको लगता है आप 1 लाख 2 लाख नहीं देख सकते हो, तो शायद 15 हज़ार दे दो, 10 हज़ार दे दो या 5 हज़ार दे दो, बट आप देखना आज दोगे दूसरे दिन आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे वो, और डेफिनेटली आपका आपके पास टैलेंट है, मिले भी ना। हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा जैसे खैर अभी आपने कहा टैलेंट है आप में, तो खैर आप हो सकता है शायद यही बात करती हैं दूसरी बात करती हैं, तो मैं भी दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखिए सोशल मीडिया का माध्यम जो है बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में आप आगे और आपने कमाना शुरू कर दिया, या फिर जो आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं सोशल मीडिया में लेकिन जल्दी से कमाना शुरू नहीं कर देते वो लोग, उसमें बहुत मेहनत रहती है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, खैर आप भी शायद यही बोलना चाह रही होंगी, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा तो सोशल मीडिया में आज देखा होगा कि बड़े लोग क्या करते हैं, कॉलेब्रेशंस करते हैं और छोटे छोटे एपिसोड्स वगैरह बनाते हैं, कॉमेडी के बनाते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट पे बनाते हैं, सोशल इश्यूज पे बनाते हैं, कुछ पॉलिटिकल पे बनाते हैं, कुछ तंज कसते हुए बनाते हैं, कटाक्ष वाले बनाते हैं, मतलब सटायर वाले जिसको कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें बनाते हैं, कॉमेडी भी बना रहे हैं, आजकल कॉमेडी का बड़ा अच्छा चल रहा है। उसे क्या है कि देखिए दुख भरी लाइफ है, अगर कुछ ऐसी चीज हमें देखने को सुनने को मिल जाती रील्स में या वैसे वीडियो में, तो मेरे हिसाब से हमें मजा आता है उस चीज़ yes, yes, yes. तो अगर इस तरीके का करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे अच्छी अर्निंग आपकी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अर्निंग के साथ साथ आपका बहुत सारे लोग आपको कोलैब करेंगे कि मेरा ये प्रोडक्ट से आप प्लीज वो कर दीजिए। यस यस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया, आजकल सेलिब्रिटीज जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन रही हैं आजकल। तो अगर हम आम इंसान हैं तो अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं और अच्छी अर्निंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि देखिए सोशल मीडिया लिमिटेड नहीं है, आप सोशल मीडिया अनलिमिटेड है। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस चीज का, आप दिव्या जी बैठी हुई हैं यहाँ पे, इसमें हम मतलब आप ये भी कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी वीडियो ट्रेंडिंग पे हो जाए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए भी दिव्या जी, इसके अलावा हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं इस चीज को नोट डाउन कर लें। अगर सोशल मीडिया में आप कोई रील्स बना रहे हैं, जैसे चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर भी आजकल मोनेटाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर इन प्लेटफॉर्म पे आप चुन रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म पे आप वीडियोज वगैरह बना रहे हैं या डिजिटल क्रिएटर बन रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि व्यूज तुरंत के तुरंत आ जाएंगे। बहुत सारा कंटेंट ऐसा है, कंटेंट कई तरीके का होता है, एक तो ट्रेंडिंग कंटेंट हो गया, यूनिक कंटेंट हो गया और रनिंग कंटेंट हो गया। तो आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं पहले उसको ध्यान में रखिएगा, कोशिश करिएगा कुछ ऐसा यूनिक कंटेंट बनाएं जो आपने किसी का कॉपी ना किया हो, कुछ यूनिक हो, कुछ हटके हो। जैसे शिवानी का एग्जांपल दे देते हैं जो अभी बिग बॉस में आई, yes, yes, yes. वो विलेज की भाषा बोलती हैं, exactly, देखो हाँ. आप कहां तक पहुंच गई, बिग बॉस में चली गई, हम नहीं जा पाए। तो ये जो कंटेंट है ये यूनिक कंटेंट पे आ जाता है, इस तरीके का कंटेंट बनाएंगे, एक
देखिए फेलियर सब जगह होता है, yes, yes. है ना, अगर फियर ऑफ फेलियर अगर आप देखेंगे इसमें कि अगर हम फेल हो गए तो फिर हमें कुछ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं. तो देखिए फेलियर तो आप जब छोटे से बड़े होते हैं, साइकिल भी चलाते हैं तो 10-12 बार आप गिरते होंगे. ऐसा तो नहीं कि साइकिल एक बार में चलानी सीख ली, मतलब एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज देयर, मतलब एक दो अपवाद छोड़ के. लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है कि आप साइकिल उठाइए और थोड़ी दूर गए और गिर गए, फिर आपने साइकिल चलानी शुरू किया, आपको पता लगा कि वहाँ पे मैंने गलती की थी, ऐसे गिर गया, फिर नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हैं. सो ट्रू. हमने टॉपिक चेंज कर दिया क्योंकि वो बात वापस. दिव्या जी, इसके अलावा जो आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट है, यस यस, ठीक है ना, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि मतलब आने वाले क्या प्रोजेक्ट हैं आपके पाइपलाइन में, कुछ ऐसा है जो हमारे दर्शक आपके देखेंगे? एक्चुअली मैं खुद एक्साइटेड हूँ. एक तो हमारा था कि अभी एड शूट भी शायद आपने किया जी, बीच में एक मैंने एड शूट किया था. काफी सारे एड शूट ऐसे होते रहते हैं क्योंकि लोग प्रमोट करना चाहते हैं हर एक चीज का. आज एक टेबल भी लेंगे तो उसका भी प्रमोशन होता है पहले, तो एज इट इज ही है. एंड रही बात मेरे, मैं जिस प्रोजेक्ट की एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ, जिस प्रोजेक्ट का सॉरी, तो वो भी एक्चुअली एक प्रकार का थ्रिलर है क्योंकि आजकल थ्रिलर शोज़ बहुत आ रहे हैं. लोग वैसा ही पसंद करते हैं क्योंकि क्या हुआ एंड में एकदम देखते रहते कि क्या होगा. तो उसी के ऊपर है और उसमें मैं पुलिस वाली बनी हूँ, जो मुझे खुद को देखकर इतना अच्छा लगा. यस, तो उसकी शूटिंग हमारी बाहर हुई थी, मुंबई में नहीं हुई थी, बट अच्छे से हुआ और काफी जल्दी आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है. इसके लिए भी हम आपको शुभकामना देते हैं, जल्दी से सारी चीज़ें आपकी अच्छे से निकले और बहुत अच्छा आप करें. ईश्वर करे आपको सारी सफलताएं मिले, सक्सेस मिले आपकी लाइफ में खूब सारा. तो बहुत अच्छा लगा दिव्या आपसे बात करके, और हमारे दर्शकों को आज बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ हमने नॉलेज दी, कुछ आपने नॉलेज दी, और ये नॉलेज को आप बटोर लीजिएगा और देखिए फिर आप जरूर सक्सेस होंगे. तो इसी के साथ में हम यहीं पे प्रोग्राम को विराम देते हैं जी. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया जी. और सभी दर्शकों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच. हमें देखते हैं, हमें प्यार देते हैं, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जी. बिल्कुल, और इनके चैनल को फॉलो करें. ये इंस्टा पे और फेसबुक पे भी काफी एक्टिव है, उस पे भी आप जाएं और उनको फॉलो करें. दिव्या को भी आप फॉलो कर सकते हैं, दिव्या थापा के नाम से आपकी आईडी है. हाँ, दिव्या थापा हाँ, इंस्टाग्राम में दिव्या थापा मिल जाएंगी और इनको देखें और इनके जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको भी आप देखते रहें और फॉलो करना ना भूलें जी. और जो अच्छा लगे आप लाइक करें, प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का, तो हमें भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो अच्छा लगे. और इसके अलावा मैं एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है, पसंद है, किस चीज़ के ऊपर हम वीडियो बनाएं, क्या टॉपिक हम लेके आएं. इसके अलावा अगर आपको भी यहाँ आना है, यहाँ बैठना है, इस कुर्सी पर बैठना है और अपनी बातें बतानी है, अपनी बातें, मन की बातें बोलनी है, या फिर कुछ ऐसा आपने किया है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, यानी अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं. हमारा जो मंच है आपके लिए बिल्कुल वेलकम करेगा और आपके लिए ही मंच बना है. तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. मैं मनीष कुमार अंकुर, मुंबई से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए. धन्यवाद. धन्यवाद.